आज इस वीडियो में आपको चूरचूर नान या स्टफ नान बनाना सिखाऊंगी। धनिया के फ्लेवर में क्या खुशबू आ रही है इसकी देखिए, और कितनी क्रिस्पी बनी है। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ रेखास किचन। मैं आज आपको चूरचूर नान या स्टफ नान बनाना सिखाऊंगी। गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास में बेल उसे जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप देख सकते हैं। आइए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में आपको चूर चूर नान या स्टफ नान बनाना सिखाऊंगी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है, मेजरमेंट से लेना है आपको मैदा, मिल्क, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, शुगर पाउडर, और हम लेंगे नमक। एक बाउल में डालूंगी मैं मैदा, इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर, एक चुटकी से ज़्यादा लेना है, मीठा सोडा एक चुटकी से भी कम, इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच शुगर पाउडर, और इसमें मिलाएंगे नमक। इस सभी सामग्री को मैं अच्छे से मिला लूंगी। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालकर डो बना लेंगे इस तरह से। मैं इसमें और दूध ऐड करूंगी। आप देख रहे हैं मैदा अच्छे से बाइंड हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी, यानी कि आधी छोटी चम्मच। इसे अच्छे से बाइंड करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। आप देख रहे हैं मैदे गलाने मेरे को सारा दूध लग गया, सिर्फ इतना सा बचा है। नान की फिलिंग के लिए लिया है मैंने ऑयल, धनिया पत्ती, अदरक, चॉप हुई हरी मिर्ची, जीरा, हींग, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, नमक, चॉप किया हुआ प्याज, और मैंने लिए हैं 2 छोटे उबले हुए आलू जिनके बारीक बारीक पीस बना लिए हैं। पैन को गरम कर लिया और इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गरम हो जाएगा, ऑयल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे हम जीरा, चॉप हुई हरी मिर्ची, ग्रेट की हुई अदरक, और इसे हिलाएंगे। 1 मिनट बाद इसमें डालेंगे हम चॉप किए हुए प्याज और इन्हें मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। प्याज अच्छे से भुन गए, इसमें डालेंगे हम हींग, लाल मिर्च पाउडर, आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मैं डालूंगी 1.5 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर, और इसे हिलाएंगे। मसाला अच्छे से भून जाना चाहिए। मसाला अच्छे से भून गया है, इसमें डालेंगे हम उबले हुए आलू, इसमें मिलाएंगे हम नमक स्वाद अनुसार, और इसे हिलाएंगे, और आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरह से कुरपे से। फिलिंग तैयार हो गई है, इसे मैं मैशर से आलू को अच्छे से मैश कर लूंगी इस तरह से। आलू को मेशर से मेश कर लिया, इसमें मिलाएंगे हम गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पत्ती, और इसे हिलाएंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। नान के लिए फिलिंग तैयार कर ली है। नान के लिए डो तैयार हो गया, इसे अच्छे से मथ लेंगे और लोई बना लेंगे। मैंने इस तरह लोई बना ली है। प्लेटफॉर्म पे डालूंगी मैं मैदा और बड़ी रोटी बेल लेंगे पतली सी इस तरह से। मैदे की बड़ी सी रोटी बेल ली है, अब इसके ऊपर लगाएंगे घी। इसमें घी बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में लगता है, जितना अच्छा घी लगाएंगे नान उतनी कुरकुरी बनेगी और लेयर भी अच्छे से निकलेगी इसकी। देखिए मैंने चारों तरफ घी लगा लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, इधर से ऐसे, ऐसे, और इसकी इस तरह से, और इसकी लोई बना लेंगे और इसे फिर बेलेंगे। प्लेटफॉर्म पे डालूंगी मैं मैदा और उसे इतना ही पतला बेलना है जैसे पहले बेली थी हमने रोटी। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने इसे बेल लिया। अब इसे हम 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे इस तरह से। एक हिस्से के ऊपर रखेंगे दूसरा हिस्सा और इसे बेल लेंगे वापस से।
आपको पहले जैसे ही गोल बेलना है इसे, प्लेटफॉर्म पे डालूं मैं मैदा और इसे बेल लूंगी इस तरह। आपको प्रक्रिया 2 से 3 बार करना है। देखिए मैंने इसे फिर बेल लिया। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम घी चारों तरफ। मैंने पूरी नान पर घी लगा लिया। एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से भी इसे इस तरह से पास लाएंगे और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम घी। देखिए इस तरह से आपको पूरे पे घी लगाना है। घी लगाने के बाद इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा मैदा। अब इसे इस साइड से भी इसे बीच तक लाके फोल्ड कर देंगे और इधर से भी इसे फोल्ड कर देंगे। फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक लोई बना लेंगे इस तरह से पैक करके। इस तरह से आपको अच्छे से पैक कर देना है। देखिए मैंने रोल बना लिया है, रोल तैयार कर लिया। अभी इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। जितनी बड़ी आप नान बनाना चाहते हैं उसी लोई बना ले। मैंने 5 लोई बना ली है। हम एक लोई लेंगे, देखिए आप कितने अच्छे से पट निकल रहे हैं इसमें। अब इसको इस तरह से लोई बना लेंगे और इसकी नान बेलेंगे। प्लेटफॉर्म पे डालूंगी मैं मैदा और हम इसकी नान बेलेंगे इस तरह से। मैं तंदूरी रोटी की तरह मोटी रखना है इसे। 2 नान बेल ली है। एक नान के ऊपर डालेंगे हम आलू का मसाला या फिलिंग इस तरह से। इसको चारों तरफ फैला देना है आपको। इसके ऊपर रखेंगे दूसरी नान और इसे अच्छे से पैक कर देंगे चारों तरफ से इस तरह से दबाते हुए, ताकि फिलिंग बाहर नहीं निकले। ये देखिए पैक करने के बाद नान के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा दूध 2-4 छींटे इस तरह से। इसके ऊपर डालेंगे बहुत सारा धनिया और इसे हाथ से थोड़ा और फैला देंगे ताकि ये थोड़ी और पतली हो जाए। देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, हमारी नान तैयार है। अब हम एक तवा गर्म करेंगे। गर्म कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर हम नान को सेकेंगे। देखिए इस तरह से हमें एक ही साइड सेकना है और फ्लेम आपको मीडियम रखना है। लो फ्लेम पर नान को मैंने एक साइड 5 मिनट से सेक लिया है। अब इसे धीरे से मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और हम थोड़ी देर और होने देंगे इसे इसी तरह क्रिस्पी। अब मैं इसे पलट कर दूसरी साइड भी क्रिस्पी होने के लिए सेक रख दूंगी। देखिए नान को दोनों साइड से सेक लिया है। फिर इसे हम पलट देंगे और एक साइड और थोड़ा सा और क्रिस्पी होने के लिए सेकेंगे। देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया है धनिया का। नान तैयार है। यदि आप इसे और क्रिस्पी सेकना चाहते हैं तो आप इसे गैस पे भी सेक सकते हैं थोड़ी सी देर। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। इस 2 से 2 नान बनेगी तो इसी तरह मैं दूसरी नान को भी सेक लूंगी। देखिए प्लेट में निकालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे हम घी। इसमें घी बहुत सारा डलता है, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इस तरह डाल, देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये। इस तरह इसमें हम घी डाल देंगे। गैस चूर चूर नान रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर जरूर बताइए। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके पास में बेल है उसे दबाइए ताकि सभी नए वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम बना रहे हैं चूर चूर नान, तो इस तरह से इसे चारों तरफ से इस तरह से आपको क्रश करेंगे तो देखिए कितने अच्छे से बनी है। चूर नान या स्टफ नान तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए पनीर की सब्जी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेगी ये। थैंक यू, बाय बाय।